तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अशोका बिल्डकॉन के स्टॉक के बारे में। अशोका बिल्डकॉन के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अपडेट में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.72% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में गिरावट अभी और कंटिन्यू रही तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 101 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक 195 और यहाँ पर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक 190 और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अभी अगेन 86 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 105 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 110, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 115 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 125 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 135-140 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।